आजा आजा जिंद शाम आने के तनु आजा जरी वाले नीले आसमाने के तनु आजा जिंद शाम आने के तनु आजा जरी वाले नीले आसमाने के तनु हमारी स्कूल ट्रस्टी माननीय पूजा मिश्रा जी, हमारे स्कूल की टीचर सोनाली मिस को पुष्प देकर सम्मानित करें। स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट माननीय सुनीता जी, साधना टीचर, टीचर को पुष्प देकर सम्मानित करें।
सनी जी, माय स्कूल की टीचर अमृता मिस को पुष्प देकर सम्मानित करें। अभी आपके सामने लास्ट डांस लेकर आ रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अनन्या राज फ्रॉम फोर्थ स्टैंडर्ड टू एक्सप्रेस हर व्यूज ऑन दिस ओकेजन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स और टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अनन्या राज। आई वुड लाइक थैंक माय क्लास टीचर फॉर गिविंग मी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट This proud day is celebration every year on 26 January. I wish you all a very happy because today is 26 January, the Republic Day. I would like to thank my... This is the
national festival of our country on 26 January 1950. Today we are great republic. Republic means a country whose leader is president, not a king or queen. Today we are celebration our 74 the Republic Day. So many dear friends, I am proud that I love my India. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. अब मैं चाहूँगी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर, स्कूल के सहयोगी कर्ता राजलाल यादव जी को पुष्प देकर सम्मानित करें। राजलाल यादव जी को पुष्प देकर सम्मानित करें। हमारे स्कूल की सुपरवाइजर पूर्णिमा टीचर को पुष्प गुच्छे देकर स्वागत करें। सम्मानित करें। अरविंद जी को पुष्प देकर सम्मानित करें, जिन्होंने टेंट डेकोरेशन किया है। अरविंद जी, तालियां हो जाए। हमारी बात ताई के बच्चों को बहुत अच्छे संभालती है और बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगी हमारे गेस्ट साहिर सनी जी बच्चों के लिए दो शब्द कहें, उनका मार्गदर्शन करें। सारे बच्चों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलेंगे एक बार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इतनी आवाज से नहीं चलेगा, थोड़ा सा जोर से बोलिए। आज 26 जनवरी भी है और सरस्वती पूजा भी है, थोड़ा और जोर लगाएगा। तो जोर से, एकदम जोर से बोलिए। फर्स्ट फ्यूचर एकेडमी के बच्चे कितना जोर से बोल सकते हैं, भारत माता की। क्या बात, क्या बात। सफाले बेहतर में विरार तक आवाज गई होगी। वंदे वंदे। मित्रों, दोस्तों, यहाँ पे उपस्थित इस विद्यालय के ट्रस्टी माननीय मनीष यादव जी, शैलेश मिश्रा जी व तमाम शिक्षकगण जिन्होंने इतना खूबसूरत समा बांधा, आज मौका दो दो है और ये दो मौके कभी कभार हम लोगों के जिंदगी में एक साथ आते हैं। उस सरस्वती माता जिसकी चरण वंदना करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे और उस भारत माता जिसके हिफाजत के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीर जवानों ने बहुत बलिदान देके हमें ये दिन देने का अवसर प्रदान किया। एक बार जोर से हम अपने तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेम से बोले, जय हिंद, जय भारत, वंदे। मेरा भारत महान था, महान है और आप जैसे बच्चों की वजह से हमेशा महान रहेगा। तो मैं एक बार चाहूंगा कि तमाम बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे राइट लेफ्ट जहां जहां पे खड़े हैं, एक बार जोर से अपने लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ये दिन आपका दिन है और आपके लिए आपके विद्यालय के टीचर लोगों ने ये दिन सजाया है। मैं भी बहुत दूर से
15 अगस्त में एक बार आपको देखा था, आज बड़ी खुशी हो रही है कि 26 जनवरी को देखने का मौका मिल रहा है। और आप लोगों में जो डेवलपमेंट है आई थिंक माइंड ब्लोइंग है। और ऐसे ही 15 अगस्त 26 जनवरी के बीच आने जाने का यह सिलसिला जब बढ़ता जाएगा, आप लोग जब ग्रोथ करेंगे तो आप में जो डेवलपमेंट होगा वो जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको देख के लोग कहेंगे कि फ्यूचर एकेडमी के ब्राइट एंड बेस्ट फ्यूचर है हमारे हिंदुस्तान के लिए। जोरदार ताली स्वयं के लिए, क्योंकि जिस बंदे में, जिस बच्चे में खुद के अंदर अपनी गलतियों को समझने का क्षमता होता है वो निश्चित रूप से फ्यूचर में बहुत बेहतर और बहुत बेहतर करते हैं। आप जितने बच्चे हैं आपने कला में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, आपने भाषण में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे, मैं तो जिन बच्चों को देख रहा था मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि ये समा, ये पल जो केलवे में इस सुंदर सी भूमि, सुंदर सी जगह जहां हवा वायु सब कुछ स्वच्छ था, वहां विद्या भी स्वच्छ मिल रही है, इसके लिए मनीष यादव जी, इनकी टीम और इस विद्यालय के सम्मानित शिक्षकों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों ये मंच बोलने का मिला है और इस मंच को आज जिस विधा, जिस विद्या की दाती सरस्वती माता को बोलने का समय नहीं है, यही वो देवी है जिन्होंने हम सबको बोलने लायक बनाया है। हमारे सारे बच्चे जो आज उपस्थित हैं उन सबों को इतनी तरक्की दे, इतनी योग्यता दे कि आने वाले समय में कला के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, रियल एस्टेट में, जहां भी जाए अपना परचम वैसे ही फहराते रहे जैसे मनीष यादव धीरे धीरे ही सही अपना परचम फहराते जा रहे हैं। जोरदार तालियों से अपने आप को बीच बीच में गर्माते रहे क्योंकि आज सरस्वती पूजा भी है और 26 जनवरी भी है। दो माएं एक साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं, भारत माता और सरस्वती माता, ऐसा दिन बहुत कम आता है। दोस्तों वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये जो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे अपने दिल में जो गुब्बार लेके जो प्रदर्शन कर रहे थे, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी तो सबसे आगे होंगे फ्यूचर एकेडमी के बच्चे, ऐसे मैं कामना करता हूं और ऐसा मैं भरोसा रखता हूं। किसी भी देश की आन बान और शान उसका फ्यूचर होता है और उसका फ्यूचर उसका बच्चा होता है। जो आज जो बच्चे हैं वो कल भारत के भविष्य हैं। शायद इसी सोच के तहत इस विद्यालय का नाम फ्यूचर एकेडमी रखने वालों ने रखा, तो मुझे लगता है कि भारत के बेहतरीन फ्यूचर के साथ हम यहां सम्मिलित हैं। और मैं चाहूंगा कि उनके तमाम माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को यहां नामांकित किया, वो गौरवान्वित क्षण है कि आपके बच्चों ने जो प्रदर्शन किया वो मन को मोह लिया। आज सामने कैमरा है हमारी, चूंकि मैं फिल्म निर्देशक हूं, फिल्में बनाता हूं, तो कैमरा के साथ आया हूं क्योंकि मुझे पता है ये जो छोटे छोटे बच्चों का कैप्चर करके आने वाले समय में जब अपने आप को जब ये देखेंगे यूट्यूब पे, तो अपने आप को देखेंगे कि मैं 26 जनवरी 2023 को कितना कच्चा पक्का था। हमारे टीचर ने, हमारे शिक्षक ने, हमारे ट्रस्टी ने, हमारे माता पिता ने हमें इस लायक बनाया कि आने वाले 2043 में जब ये इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, कलाकार होंगे, फनकार होंगे, देश के सैनिक होंगे, जहां जिस फील्ड में होंगे अपने आप को जब उस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से फ्यूचर एकेडमी के उन छोटी छोटी चीजों को समझाने वाले शिक्षक गण और अपने ट्रस्टी का आभार जरूर व्यक्त करेंगे। जोरदार तालियों से अपने आप को गौरवान्वित करते रहे क्योंकि आपके लिए कोई ताली बजाने नहीं आएगा, ये ताली आप ही के लिए है और ये दिन भी आप ही का है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का मैं आभार प्रकट करता हूं, उनकी अथक मेहनत और उनका जुझारूपन मैंने महसूस किया है। मैं कुछ दिन तक यहां रहा हूं मनीष भाई के सहयोग से और मुझे लगता है
कि जब आपने ये शुरू किया था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कारवा धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा, और मैं उम्मीद अब करने लगा हूं कि ये कारवा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि जिस दिन हम अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस करेंगे। दोस्तों, पल्लवी मैम, पूजा मैम, पूर्णिमा मैम को मैंने सुना, बहुत अच्छी एंकर भी हैं, बहुत बेहतरीन शिक्षक भी हैं, और सबसे ज्यादा जो केयरनेस बच्चों के लिए होती है, माँ के सम्मान, अपने बच्चों का केयर करना, अपने प्रोग्राम का संचालन करना, यहाँ उपस्थित तमाम छोटे छोटे बच्चों से काम करवा लेना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जॉब है। क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ और मैडम ने शिवेंद्र का परिचय कराया था, उसको भूलना शायद अपने आप को भूलने जैसा हो जाएगा, उसके अंदर टर लगा हुआ है, वो डायरेक्टर है, एक्टर है, सिंगर है, ड्राइवर है, और सबसे बड़ी बात वो मनीष जी का हनुमान है, उसके लिए भी एक जोरदार ताली, क्योंकि वही सही समय पर आपको विद्यालय लेके आता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मैंने महसूस किया कि मैडम ने जिस तरीके से संचालन किया हर छोटी छोटी चीजों को लेके, अनिल भाई भी सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब भी हम लोग उपस्थित हों, ये छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है मन को मोह लिया है, और शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार ताली लगाएं, क्योंकि यही वो है जो आपको मिट्टी से घड़ा बनाएंगे, और ये घड़ा चमकते चमकते इस विशाल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, देश विदेश में आप अपना नाम रोशन करेंगे, इंडिया के फ्यूचर को ब्राइट करेंगे, फ्यूचर एकेडमी के स्टूडेंट, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, सरस्वती माता विराजमान है यहां, और हिंदुस्तान में सरस्वती माता के चरणों में नंदन अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लेकिन एक चीज का भरोसा मैं मनीष यादव जी से, शैलेश मिश्रा जी से, यहाँ के विद्यालय के टीचर से और तमाम पेरेंट्स से कि इन बच्चों की प्रस्तुति के लिए आपके मन में एक जोरदार तालियों के साथ गुब्बार होना चाहिए कि इन बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है अगली बार इससे बेहतर प्रस्तुति मिले। थैंक यू सो मच, और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अपने अपने प्लेस पे बैठे रहो, आप आपको अभी मिठाई मिलेगी, उसके बाद ही आपको अपने प्लेस से उठना है। टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स प्लीज आप अंदर आ जाइए। पेरेंट्स प्लीज अंदर आ जाइए एंड सीट पे बैठ जाएं। हमारी धृति नर्सरी स्टैंडर्ड से कुछ दो पंक्तियाँ गाने की बोलना चाहती है, तो प्लीज़ धृति के पहले जोरदार तालियाँ बजा दो। मेरे बटन के लोग जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो को पानी। मेरे वतन के लोग
फल पानी जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुल पानी। देख कितना क्लियर दिख रहा है। एक ही बज रहा हाँ हाँ बोलो अरे मैं वो लेके आया हूँ तभी वहाँ
Oh.